नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, नॉमिनल स्केल, ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट स्केल होता है ये वो होता है, और इसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आप अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप जो है वो चीज़ों की जस्ट काउंटिंग करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी चीज़ें हैं या कितने परसेंट चीज़ें किस क्लास या कैटेगरी में है। ठीक है, मसलन इसकी मिसाल ये है कि आपका कोई स्केल जो है वो ये जो मैयर कर रहा है कि जो आंसर्स ले रहा है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, मेल या फीमेल। इसी तरह टेस्ट वो आइटम्स जो कि जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है। ठीक है, अच्छा, पास या फेल स्टूडेंट्स की तादाद, ये सारा जो डाटा है इसको किस स्केल की मदद से हम शो करते हैं, दैट इज़ नॉमिनल स्केल। ठीक है, जो डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, मसलन यहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया हमारा डाटा, मेल फीमेल। यहाँ जी जितने लोगों ने यस का आंसर किया और जितने लोगों ने नो का आंसर किया, जितने लोग पास हैं और जितने लोग फेल हैं। ठीक है, सो ये नॉमिनल स्केल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल ये है कि ये डिवाइड करता है डिफरेंट, क्लासिफाई करता है डाटा को अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑर्डर। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, उससे कम क्या, उससे कम क्या है, एक्सेट्रा, इस तरह से। जिस तरह हम कहते हैं ना क्लास में अगर हम करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किस बच्चे की है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है, तो इससे एक रैंक मिलता है। इसी तरह जो जॉब के लिए एप्लीकेशंस होती हैं वो जब प्रोसेस की जाती हैं तो उसमें भी रैंक ऑर्डरिंग की जाती है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकेंड पे कौन है, थर्ड में कौन है। अब इसमें हमें ये होता है कि इक्वल इंटरवल्स की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती। ठीक है, यानी हमें नहीं मालूम कि फर्स्ट आने वाले और सेकेंड आने वाले की एबिलिटी में क्या उतना ही फ़र्क है जितना सेकेंड आने वाले और थर्ड आने वाले की एबिलिटी में है। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड में बहुत कम गैप हो, जो सेकेंड और थर्ड में बहुत ज़्यादा गैप हो, तो इसमें इक्वल इंटरवल्स नहीं होते। इसमें कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो भी नहीं होता, यानी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इस स्केल में, इसकी मिसाल मैं ऊपर आपको दे चुकी हूँ। अब ऑल्फ्रेड बिने ने हमने पढ़ा था वेरी इन द वेरी स्टार्ट के जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए उसका ये मानना था कि इंटेलिजेंस के साथ साथ बाकी जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं वो असल में ऑर्डिनल हैं। ठीक है, यानी हम असल में ये नहीं देख रहे होते कि कोई चीज़ किसके अंदर मौजूद है, कितनी ज़्यादा मौजूद है, हम असल में उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाकी एवरेज लोगों से कि बाकी लोगों के मुकाबले में उसके अंदर इंटेलिजेंस का क्या लेवल है। ठीक है, डिप्रेशन का क्या लेवल है। ठीक है, हमने रिसर्च से हमारे पास फाइंड आउट होता है कि एवरेज लोग या मैक्सिमम लोगों की परफॉर्मेंस क्या होती है इंटेलिजेंस के ऊपर, तो हम उस स्कोर को एवरेज ले लेते हैं। देन हम नए आने वाले का जो इंटेलिजेंस का स्कोर है वो उस एवरेज से हमेशा कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो ये कहता है कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं थ्योरेटिकली दे आर ऑर्डिनल इन नेचर। ठीक है, देन आ जाते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल्स में नॉमिनल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि आपको क्लासिफिकेशन भी करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और ये आपको रैंक ऑर्डरिंग भी देते हैं, और उसके साथ साथ एक एडिशनल वो भी इनमें क्या होती है कि इसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉपर्टी इसमें लैकिंग है कि कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो इसमें नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एक हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो एवरेज का है, यानी एवरेज ली जा सकती है इसमें क्योंकि यूनिट्स के दरमियान इक्वल इंटरवल्स होते हैं। अच्छा, अब साइकोलॉजी का जो स्केल्स होते हैं, हमने कहा कि थ्योरेटिकली वो सारे ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू कंप्यूट देम थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम उनको ट्रीट करते हैं तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को एज इंटरवल स्केल्स। ठीक है, लेकिन हमें फिर ख्याल रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए कि असल में जो है वो कि असल में जो साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं वो दे आर ऑर्डिनल इन नेचर। मसलन मैं आपको मिसाल देती हूँ कि इंटेलिजेंस का जो मैंने कहा कि असल में वो ऑर्डिनल है, हम एक इंडिविजुअल का कंपैरिजन कर रहे होते हैं एवरेज के साथ कि एवरेज से ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंस, कम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है। इंटरवल में क्या है कि हम जो इंटेलिजेंस के स्केल्स हैं थ्योरेटिकली बेशक ऑर्डिनल है, लेकिन हम उनको एज एन इंटरवल स्केल ट्रीट कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं कि 90 और 100 जो स्कोर है उसके दरमियान भी उतना ही एबिलिटीज़ का डिफरेंस है जितना
100 और 110 के दरमियान है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जीरो इंटेलिजेंस इज नॉट पॉसिबल, इसी तरह जीरो डिप्रेशन इज नॉट पॉसिबल, जीरो हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल, जीरो एंजाइटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरवल स्केल हम क्यों इंटरवल स्केल एज अ ट्रीट करते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरवल स्केल के ऊपर हम मैथमेटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को एज एन इंटरवल स्केल ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं रेशियो स्केल्स। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीज़ों को कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये रैंक ऑर्डरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एंड देन इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि इसका एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है, यानी इसमें जो जीरो है उसका वाकई मतलब होता है कि समथिंग इज टोटली एब्सेंट, ठीक है। लेकिन हमें उसके रिजल्ट्स को क्या कहते हैं, उसमें से इंफरेंसेस निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। उसकी मैं अभी आपको मिसाल देती हूँ कि साइकोलॉजी में रेशियो स्केल कहाँ इस्तेमाल होता है। मेजरिंग जैसे है कि, या बल्कि यहाँ लिखा हुआ है कि मेजरिंग अमाउंट ऑफ प्रेशर हैंड कैन एग्जर्ट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डायनेमोमीटर कहते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से क्लाइंट का हाथ का जो प्रेशर है वो मेजर किया जाता है। उसको एक चीज़ दी जाती है जिसको प्रेस करने को बोला जाता है, और फिर आगे एक स्केल लगा होता है जो मेजर करता है कि उसके हाथों की ग्रिप कितनी है। अब ये जो न्यूरोलॉजिकल कोई एबनॉर्मेलिटीज या न्यूरोलॉजिकल डैमेज को मेजर करने के लिए चीज़ की जाती है। अब यू कैन इमेजिन कि जो बंदा पैरालिसिस का शिकार है, फालिज का शिकार है, उसका हाथ बिल्कुल काम नहीं करता, तो उसका प्रेशर ऑफ कोर्स, उसके हाथ की ग्रिप तो ज़ीरो आएगी, और उसका मतलब होगा कि वाकई उसकी एबिलिटी ज़ीरो है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आया वो इंडिविजुअल ऐसा तो नहीं है कि बाय विल नहीं कर रहा, प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा, या मोटिवेटेड नहीं है, या करना नहीं चाह रहा, या किसी और वजह से, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, इसमें जो ज़ीरो होता है इट हैज़ सम मीनिंग, और वो ट्रू ज़ीरो होता है। इसके अलावा भी आप रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल्स की जो यू कैन फाइंड आउट कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं इन तीनों स्केल्स की, ठीक है। जो टेम्परेचर और वेट एट्सेट्रा, इस चीज़ के स्केल्स होते हैं, वो कौन से स्केल्स होते हैं इनमें से, यू कैन फाइंड आउट। देन परमिसेबल ऑपरेशंस, हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉमिनल स्केल्स पर तो हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, ओनली परसेंटेज काउंट हो सकता है। देन उसके बाद जी सेम इज़ द केस विद ऑर्डिनल स्केल के हम कोई एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन पर नहीं कर सकते, इंटरवल पर हम अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लेकिन इसका भी एक है कि इसमें रेशियोज फाइंड आउट नहीं कर सकते। रेशियो स्केल पर हम तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। देन है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हमने बात की, तो उसमें आ जाता है कि डिस्क्राइबिंग डाटा, उसमें क्या है कि आप जो सेट ऑफ डाटा आपके पास मौजूद है उसको आप अरेंज्ड फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो जब आपने एक क्लास के ऊपर एक टेस्ट अप्लाई किया है, तो आप क्विज लिया है क्लास का या पेपर लिया है, तो आपके पास जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो जो मार्क्स लिखे हुए हैं एज इट इज़ जो आपने लिखे हुए हैं वो आपके रॉ स्कोर्स हैं। अभी आपने उन पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, उनको किसी भी फॉर्म में अरेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे आपके पास आए हैं टेस्ट के स्कोर, उसी तरह आपने लिखे हुए हैं, तो वो आपका रॉ स्कोर्स हैं। अब ग्राफ्स की मदद से आप अपने डाटा को जो है वो, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप किस तरह से इस टेस्ट के रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, यानी तमाम स्कोर्स आप लिखें और आगे उनके लिख दें कि हर स्कोर क्लास में कितनी दफ़ा आया, यानी स्कोर 70 कितने बच्चों ने किया है, स्कोर 80 जो है वो कितने बच्चों का आया है, स्कोर 85 कितनों का आया, एंड थिंग्स लाइक दैट। देन आ जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्लास इंटरवल्स बना देते हैं, यानी आप कहते हैं कि 50 से 55 तक कितने बच्चों का स्कोर था, 56 से ऑनवर्ड्स 60 तक कितने बच्चों का स्कोर था। अब ये इंटरवल आप कितना बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप डिटेल चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप किस तरह की समरी चाहते हैं, उस हिसाब से आप क्लास इंटरवल्स का साइज रखते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल 50 से 55 तक बनाया तो 50 आपकी लोअर लिमिट हो गई, 55 आपकी अपर लिमिट हो गई।
देन आप ग्राफ्स की मदद से भी हिस्टोग्राम जैसे होता है बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इनकी मदद से भी अपने डाटा को शो कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है कि उसमें आपके पास जो डाटा होता है, जो आपने क्लास इंटरवल्स बनाए, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा होता है, आपने क्लास इंटरवल्स बनाए हुए हैं, यानी 50 से 55 तक कितने लोगों का स्कोर था, 56 से 60 तक कितना होगा था, ठीक है, 61 से 55 तक कितने का था, तो वो आपके पास डाटा है। इसको आप जब क्लास इंटरवल्स को ही ग्राफ की मदद में शो करेंगे तो वो हिस्टोग्राम होगा। और इसकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे एक वर्टिकल लाइन जो है बार्स होते हैं, इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं जिनको कहते हैं, और वो रेक्टेंगल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो रेक्टेंगल की एक साइड है वो लोअर लिमिट पर होती है, दूसरी अपर लिमिट पर होती है। एक्स एक्सिस पर यूजली जी स्कोर्स बताए जाते हैं, और वाई एक्सिस पर तमाम ग्राफ्स में यूजली जो है वो फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, बार ग्राफ में क्या होता है कि इसमें जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग ईच अदर, ठीक है, अलग अलग से मौजूद होते हैं। आप जो है वो बुक को रेफर कर सकते हैं टू सी दी इन द डायग्राम्स, ठीक है, उसमें बड़े क्लियरली इनको बनाया गया। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसमें हर क्लास इंटरवल का आप एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट लेने के बाद आप उस के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, एंड देन उन डॉट्स को आप एक लाइन की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है